आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत का युग अब खत्म हो चुका है, हमें हर एक्शन का परिणाम भुगतना पड़ता है। शुक्रवार को एक बुक के लॉन्चिंग इवेंट में बात करते हुए जयशंकर ने कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, हम उसी पर सही प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश भारत को अपने मसलों में तभी शामिल करते हैं जब यह राजनीतिक तौर पर उनके लिए फायदेमंद होता है। बुक इवेंट पर जयशंकर ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा, यह बेहद आम बात है कि हम वहां की मौजूदा सरकार से ही डील करेंगे, हम दोनों देशों के हितों पर फोकस रखेंगे। हम ये बात जानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुए हैं जो कई बार नुकसानदायक भी होते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश हमेशा से ही एक पहेली की तरह होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे पड़ोसी देशों के मामलों में चुनौतियों का सामना न करना पड़ा हो। इससे पहले मई में पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान को पीओके वापस कर देना चाहिए। उन्होंने इसे पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा सपना बताया था। विदेश मंत्री ने कहा था कि अब भारत की जनता ने मान लिया है कि 370 दोबारा कश्मीर में नहीं आएगा, साथ ही अब हमारा लक्ष्य पीओके की जमीन बदलने का है। वहीं मार्च में सिंगापुर दौरे के वक्त भी जयशंकर ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।